तो काफी टाइम से आप बोल रहे थे कि यार बड़ा स्पीकर लेके आओ, तो ले आया। बाकी बड़ा होने के साथ साथ लेटेस्ट भी है, ट्रीबिट का स्टॉर्म बॉक्स ब्लास्ट 2, जिसको मैंने अमेजोन से परचेज किया इन अप्रोक्स 22,588 की प्राइसिंग पर। बाकी इसका जो रेगुलर प्राइसिंग है वो 25,999 है, बट ऑफर लग के 22,588 का मिल रहा है लोवेस्ट प्राइसिंग पे। मेरा हाथ ना पूरा अनबॉक्सिंग की तरफ जा रहा है, तो एक बार पहले इसकी आउटर पैकेजिंग हटा लेते हैं, क्योंकि देख के पता लग रहा है कि दो पैकेजिंग होगी। यस, ट्रिबिट का अंदर येलो वाला बॉक्स। पुत्री यार भारी है, निकल। जिम नहीं जा रहा ना, तो रिवर्स टेक्निक लगाते हैं, उल्टा करके निकालता हूँ। ये बात, प्रीमियम प्रोडक्ट्स देख के मन ही खुश हो जाता है। बाकी इधर से हल्का सा बॉक्स दब गया, बट आउटर पैकेजिंग की वजह से बच गया। तो देखो, ट्रीबिट स्टॉर्म बॉक्स ब्लास्ट 2 में कुछ तगड़े तगड़े फीचर मिलते हैं, लाइक 200 वोल्ट की एक्सप्लोसिव आउटपुट, कस्टमाइज्ड डायनामिक लाइटिंग, रगड़ IP67 वाटर एंड डस्ट प्रूफ रेटिंग्स, अनस्टॉपेबल 30 आवर का प्ले टाइम विद लिथियम आयन बैटरी, फन एंड इंटरेक्टिव कैरियोकी, TWS पेयरिंग, और भी कुछ है क्या? और इसका डेडिकेटेड ट्रीबिट ऐप है जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो लाइटिंग्स को या फिर इसके EQs को। यार इन्होंने कुछ ज्यादा ही दे दिया इसमें। लाइक ट्रीबिट का DSP एम्पलीफायर है, 2.1 चैनल स्पीकर है, क्योंकि इसमें आपको एक सबवूफर के साथ दो ट्विटर एंड दो मिड रेंज ड्राइवर मिल रहे हैं, दैट मींस टोटल 5 ड्राइवर्स। एक्स बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ट्रीबिट का ऐप है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 लेटेस्ट वाला। व्हाई आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि सब कुछ यार लेटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो फटाफट इसको करते हैं अनबॉक्स। उल्टा खोल रहा हूं मैं, तो ये वाला या ये वाला, यही ले लेता है। तो सबसे पहले एक यूजर मैनुअल, इसकी जरूरत नहीं है। देन एक छोटा सा एनवेलप जिसमें आपको पावर कोड दी है, ज्यादा कुछ नहीं होना। देन ये है अपना मेन स्पीकर, और अंदर बिल्कुल खाली। थर्माकोल में भी क्वालिटी है, और यार ये काफी भारी है, 8.7 kg का स्पीकर है। तो एक बार अनरैप करते हैं। दिस इज 3-bit स्टॉर्म बॉक्स ब्लास्ट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करें तो एज ऑलवेज 3-bit की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा प्रीमियम रहती है। 8.7 kg इसका वेट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी सॉलिड चीज होगी। यह है इसका एंटी स्लिपरी हैंडल जिस पे 3-bit की ब्रांडिंग, और यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर दिया है जिससे ग्रिप अच्छी बनी रहे। बाकी कंप्लीट मैट फिनिश में आता है, सिर्फ 3-bit हाईलाइट किया गया है ग्लॉस से। देन यहाँ पे एक छोटा सा फिजिकल कीज का कंसोल मिल जा रहा है, जिसमें आपको सारी एसेंशियल कीज के साथ TWS पेयरिंग, डायनामिक लाइट्स और एक्स बेस का डेडिकेटेड की दिया है। एंड आई थिंक दे आर सेल्फ इल्यूमिनेटेड। यस, इनके अंदर LEDs है। क्या भेसाई है उन करते ही। ओहो, RGB लाइट्स, रंगारंग माहौल पूरा। देन इसके फ्रंट पे अगेन 3-bit की ब्रांडिंग, और ये है इसका मेटेलिक मैश, और सेम मैश आपको मिल जाता है इसके रियर पे। एंड यहाँ पे काफी सारे इनपुट पोर्ट्स दिए हैं, लाइक पावर इनपुट, 2 6.35 mm के माइक इनपुट। ऑल द बॉक्स के अंदर आपको कोई कैरियो के माइक नहीं दिया है, अलग से परचेज करना होगा। देन ये है इसका ऑक्सिलरी इनपुट, और ये है USB A पोर्ट 5V 2A यानी कि 10V की चार्जिंग आउटपुट के साथ। और यहाँ पे आप USB टाइप C इन भी कर सकते हो, अगेन 10V की इनपुट मैंडेटरी है फॉर चार्जिंग। एंड यहाँ पे डेडिकेटेड रिवर्ब नोब भी दिया है, जिससे थोड़ा एको वाला फील क्रिएट होगा। बाकी जैसे इसको बंद करते हैं, ये हो जाता है IP67 वाटर एंड डस्ट प्रूफ वाला स्पीकर। ओहो, तो दोनों साइड आपको पैसिव रेडिएटर दिए हैं, जिससे बेस का थंप और ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। और बॉटम पे काफी स्टाइलिश ग्रिप पैड दिए, जिससे आप इसको एक बार जहां रख दोगे ये बन जाएगा महाथम, फिर नहीं हिलने वाला। तो फटाफट इसके कुछ साउंड सैंपल्स भी सुनते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बता देता हूं। लाइक यहां पे 200 वोल्ट की एक्सप्लोसिव आउटपुट आपको AC पावर सप्लाई पे मिलेगी, इनबिल्ट बैटरी पे मैक्सिमम 180 वोल्ट की रहती है। देन यहां पे आपको टोटल जो 5 ड्राइवर मिल रहे हैं, उसमें 15 वोल्ट के दो डोम ट्विटर्स है, 80 वोल्ट का सबवूफर है जो कि 40 हर्ट्ज तक की डीप बेस देता है, एंड देन 45 वोल्ट के दो मिड रेंज ड्राइवर है, जिसके साथ टोटल आउटपुट इसकी 200 वोल्ट बन जाती है। एंड ट्रीबिट का कहना है कि ये मैक्सिमम आपको 108 डेसिबल तक की लाउडनेस ऑफर करेगा, वो तो अभी देख लेंगे। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले इसका जो डेडिकेटेड ऐप है वो देख लेते हैं कि वहां पे हमें क्या क्या कस्टमाइजेशंस मिल जाते हैं। तो ये कि आपने ट्रीबिट का स्टॉर्म बॉक्स ब्लास्ट 2 पेयर, ईयरफोन्स लगाओ एक बार ईयरफोन्स। क्या है ये, एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब ये ऐसी बेस दे रहा है जो हम पार्टी बॉक्स बड़े वालों में सुनते हैं। कोई नहीं, पूरा लुफ्त उठाया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो ट्रीबिट ऐप है वो देख लेते हैं। तो ऐप को ओपन किया, स्पीकर को ये फाइंड कर रहा है, यार बड़ी जल्दी ढूंढ लिया इसने। कनेक्ट किया, तो राइट नाउ 70% बैटरी है, और यहाँ पे न्यू फर्मवेयर वर्जन फाउंड, तो अपग्रेड कर लेते हैं। इट विल टेक 5 to 10 minutes हार्डली। एंड राइट नाउ ये वर्जन 8.1 पे चल रहा है, और अभी जो अपग्रेड आया है वो 8.5 वाला है, तो इसको अपडेट करते हैं। एंड जब भी आप परचेज करो, अपडेट करो, तो कीप वन थिंग इन माइंड,
कि आपका डिवाइस इसके पास हो और आप टर्न ऑफ ऑन वाला कोई गेम इसके साथ ना खेलो, अदरवाइज गेम ही ओवर हो जाएगा। तो पहले फर्मवेयर डाउनलोड हुआ और बहुत क्विकली ये अपलोड हो रहा है और कुछ ही सेकंड्स बचे हैं जिसके बाद हम धूम धूम ब्लास्ट कर देंगे मिस्टर ढोलक। तो ये बोला कि प्लीज रिस्टार्ट द डिवाइस एंड यू कैन सी कि अपना वर्जन 8.5 बाय वर्जन 7.1 में ये अपग्रेड हो चुका है। तो फटाफट ऐप का टूर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन स्क्रीन पे आपको स्पीकर, बैटरी, वॉल्यूम एंड प्ले पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस यही देखने को मिलेगा। देन सेकंड मिल जाता है आपको लाइट्स का ऑप्शन, आप यहां से इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो गई ना ऑफ, और ये हो गई ऑन। एंड यहां पे आपको 3 मोड्स देखने को मिल रहे हैं विच इज कस्टमाइज्ड डायनामिक लाइट मोड, और आप तीनों को कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे पहले यहां पे लाइट बार्स जिसको आप कलर में साइकिल, रेनबो या फिर कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग, कोई एक पर्टिकुलर कलर चाहिए तो वो भी। देन मिडिल लाइट जो आपके सबवूफर पे पड़ती है उसको भी अगेन कस्टमाइज कर सकते हो, और जो रिदम है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर पाओगे, लाइक आपको बेस के रिदम या ट्रेबल, बेस ट्रेबल का कंपोजिशन या फिर फ्रीज करके रखना है। एंड ब्राइटनेस का भी कस्टमाइजेशन बाबू भैया। एंड देन जो साइड लाइट्स है आपकी मिड रेंज ड्राइवर्स पे, इसके भी कस्टमाइजेशन यहां पे देखने को मिल जाते हैं, और आप 3 डिफरेंट मोड यहां पे बना के रख सकते हो अलग अलग माहौल के हिसाब से। देन यहां पे आपको कस्टमाइज्ड इक्वलाइजर मोड्स मिल जाते हैं जिसमें एक्स बेस तो हमने इनके अदर पोर्टेबल स्पीकर्स में देखा है, लेकिन इस बार आपको X3D जो कि आपको इमर्सिव सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देगा, और बाकी यहां पे जैज रॉक, ऑडियो बुक, ब्लास्ट ट्रेडिशनल जो कि ब्लास्ट सीरीज के साथ पहले से ही आता है। लेकिन आप अगर मेरी तरह हो कि नहीं हम बनाएंगे अपना, तो अपना EQ हम यहां पे बना रहे हैं जिसमें आप बेस, ट्रेबल, लो, मिड्स, हाईज सब अपने अकॉर्डिंग ट्विक कर सकते हो। अब कमेंट में मत बोलना कि तुझे लो, मिड एंड हाई के बारे में EQ पे नहीं पता, ये वाला लो है, ये हाईज है और सेंटर में मिड है, पता है तुम्हारे भाई को। देन इसके बाद अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहां पे भी आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, लाइक EQ बटन पे आप क्या रखना चाहते हो। लाइट ऑफ पे हमने एक्स बेस ऑफ रखा है, और व्हाइट लाइट पे यानी कि लाइट ऑन पे एक्स बेस। बाकी अगर मैं चाहूं तो इसको चेंज कर सकता हूं, लाइक लाइट ऑन पे हम X3D रख लेते हैं और लाइट ऑफ पे रख लेते हैं एक्स बेस, जलवा है भाई का। देन ऑटो शट डाउन, वॉल्यूम इंडिकेटर, वॉइस पॉम्प आप चाहो तो ऑन ऑफ कर सकते हो, ये सारे वॉइस पॉम्प के ऑप्शन आपको देखने को यहां पे मिल जाते हैं। डिवाइस का नाम चाहो वो भी कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब कस्टमाइजेशन भर भर के। और अगर बहुत बड़े आलसी हो स्पीकर डेस्क पे रखा उठना ही नहीं है तो यहीं से टैप करके शट डाउन, क्या बात है, मैंने ऑन कर लिया दोबारा। और अब कुछ सैंपल्स हो जाए ये क्या जलवा दिखाता है। और अभी हम इसकी इनबिल्ट बैटरी पे यानी कि 180 वोट की पावर पे ही प्ले करेंगे, फिर एक दो सैंपल AC पावर के साथ सुनेंगे जिसमें आपको 200 वोट की एक्सप्लोसिव आउटपुट देगा, ये जस्ट अमेजिंग, मतलब बेस ना सब कुछ हिला दे रहा है। क्या बवाल है, सारा सिस्टम ही हिल जाता है। अब एक दो सैंपल सिर्फ पावर कोड पे ही प्ले करते हैं, एंड ये चीज तो हमने देख ली कि अगर DC वर्सेस AC का कंपैरिजन करते हैं तो फर्क बहुत ज्यादा आता है। तो यहाँ पे जो मैंने एक्स बेस वाली की थी इसको कस्टमाइज किया था कि अगर लाइट ऑफ रहेगी तो ये एक्स बेस मोड पे रहेगा और ऑन होने पे X3D पे। तो लेट्स फाइंड आउट कि एक्स बेस से X3D में जाने में क्या डिफरेंस आता है। इसने एक वर्चुअल 3D इफेक्ट इसके साथ ऐड कर दिया, एंड जो हमको एक्स बेस में बेस ट्रेबल मिल रही थी वो तो एज इट इज थी, सिर्फ एक सराउंड साउंड इफेक्ट आ रहा है। दोबारा सुनो, X3D इफेक्ट के साथ जो लाउडनेस लेवल है वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है, एक सराउंड साउंड इफेक्ट ऐड हो जाता है। वहीं एक्स बेस मोड में आपको डीप बेस वाला पंच मिलता है। यार लिटरली 3-bit का जो DSP एम्पलीफायर है वो 100% वॉल्यूम पे भी कोई कंप्रेशन नहीं आने देता, बेस का थंप अल्टीमेट ही रहता है। और कुल मिला के बात ये है, अगर ईयरफोन्स पे आपने सैंपल सुना है तो मजा ही आ जाता है। बाकी यहाँ पे मैंने वर्सेटाइल सैंपल्स आपको सुनवाए हैं, और जो फुल लेंथ सैंपल है वो मैं आपको ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके सुनना। जो बेस हैवी लवर्स हैं या फिर वोकल लवर्स हैं दोनों की एक्सपेक्टेशन ये पूरी करेगा। यार मुझे तो इससे प्यार हो गया, कितना छोटा स्पीकर इतनी पावरफुल बेस कैसे। और वहीं जो वोकल्स या हाइज है उनमें भी क्लैरिटी टॉप नोट्स दे रहा है, तो और क्या ही चाहिए। बाकी अभी एक चीज और बाकी है कि इसमें आपको कैरियोकी की माइक का ऑप्शन मिलता है, तो हमने थोड़ा बहुत खर्चा करके जुगाड़ कर लिया एक माइक का, प्लग इन करके देखते हैं। हेलो हेलो, वाओ
हेलो, तो जो रिवर्ब नोब है वो भी काम कर रही है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका जो फन एंड इंटरेक्टिव कैरियोके इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, आपकी पार्टी में चार चांद लगा देगा। रीजन इज कि क्लैरिटी तो टॉप नोच है ही, लेकिन अगर आपको रिवर्ब या एको इफेक्ट चाहिए तो उसकी डेडिकेटेड नोब के साथ और तगड़े सिंगिंग स्किल्स निकल के आते हैं। बोल दो, मुझे अच्छा गाना नहीं आता, इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक सैंपल बोल के सुना दिया। अब अगर ट्रीबिट के स्टॉर्म बॉक्स ब्लास्ट 2 का एक फाइनल वर्डिक्ट दूं तो 200 वोट आरएमएस की एक्सप्लोसिव आउटपुट के साथ 108 डेसिबल की लाउडनेस और साथ ही साथ 40 हर्ट्ज का डीप बेस विद 30 आवर तक का बैटरी बैकअप, जो कि ऑब्वियसली आपको 50% वॉल्यूम एक्स बेस ऑफ और जो डायनामिक लाइट शो है इसको ऑफ करने के बाद मिलेगा। और आप आउटडोर इनडोर कोई भी पार्टी करते हो या आप अपने टीवी के साथ ही इसको रखना चाहते हो तो 2.1 चैनल है इसके अंदर, जिसमें सबवूफर, मिड रेंज एंड ट्रेबल के अलग अलग ड्राइवर्स दिए हैं। और बाकी इसका ट्रीबिट डेडिकेटेड ऐप आपको भर भर के कस्टमाइजेशंस देता है, तो और क्या ही चाहिए। तो अगर आप एक ऐसा पोर्टेबल स्पीकर चाहते हो जो आपको पार्टी बॉक्स वाली फील दे और कैरी करने में इजी हो, तो ट्रीबिट का स्टॉर्म बॉक्स ब्लास्ट 2 परफेक्ट चॉइस है, जिसका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट दैट ऐप।